नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं मोहित करोटिया, आपका होस्ट एंड दोस्त, एक बार फिर से पहुंच चुका हूं भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य और किस्से कहानियां, जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि भारत पर, भारतीय होने पर आपको गर्व है। दोस्तों, देश बदल रहा है, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही परिवर्तन की लहर भी दौड़ चुकी है। ऐसे में तमाम लोग सिर्फ सिस्टम को गालियां देना पसंद करते हैं। यूं कहिए कि जब बात देश की आती है तो अधिकांश लोगों की सोच पॉजिटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। जो घर दुकान पर बैठे या सड़क किनारे पान या चाय की दुकान पर खड़े होकर देश के सिस्टम को गालियाँ देते हैं, सच पूछिए तो गालियाँ देने से कुछ नहीं होने वाला। एक पॉजिटिव थिंकिंग विकसित करनी होगी, सकारात्मक सोच, क्योंकि तभी आप देश की तरक्की में हाथ बटा पाएंगे। ये सकारात्मक सोच तब आएगी जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे, जब आपको अपने इतिहास का ज्ञान होगा। काले अध्यायों के साथ तमाम ऐसे अध्याय भी हैं जो देश का गौरव बने, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। देश के लिए एक सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए ही मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, या शायद आपने पहले सुने हों पर इतना गौर नहीं किया हो। दोस्तों, कितना बड़ा है भारत? भारत विश्व में सबसे बड़े आकार वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। भारत में करोड़ों करोड़पति हैं, लेकिन अमीर और गरीब के बीच में काफ़ी अंतर है, जिसके कारण यहाँ गरीबी ज़्यादा है। दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय भाषा की तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे, हिंदी जिसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं वो हमारी राष्ट्रीय भाषा ना होकर आधिकारिक भाषा है। हिंदी आधिकारिक भाषा है जो कि देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी भी देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा देश में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी ऐसी भाषाएँ हैं जो कि देश के 22 राज्यों में बोली जाती हैं। भारत में 1652 बोलियां हैं और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत विश्व का 24वां देश है जहां सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत में 22 राज्य हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी मानक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। 700 ईसा पूर्व में भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला खुला था, जिसमें से पढ़े हुए हजारों छात्रों ने विश्व के कोने कोने में जाकर अपना ज्ञान फैलाया। विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था केवल भारत के पास ही है। दोस्तों, आगरा का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है, जिसे कि मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। विश्व की सबसे बड़ी रोड नेटवर्क भारत के पास ही है, जो कि 1.9 मिलियन मील के हिस्से को आपस में जोड़ती है। शतरंज, जिसे आप चेस कहते हैं, उसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। इसे चतुरंग संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है एक सेना के 4 सदस्य। हीरा साल 1986 तक भारत अकेला विश्व का देश था जहां आधिकारिक रूप से हीरा पाया जाता था। साल 1986 तक भारत अकेला विश्व का एक देश था जहां आधिकारिक रूप से हीरा पाया जाता था। हजारों सालों से भारत कपड़े को निर्यात करता रहा है। इसके अलावा स्टील, कृषि वस्तुओं और इस तरह की तकनीक या चिकित्सक से जुड़ी चीज़ों को भी वह निर्यात करता है। भारत में 50% से ज़्यादा लोग 25 साल से छोटे हैं, तो वहीं 65% लोग 35 साल से छोटे हैं। भारत में दूसरे देशों की उपेक्षा लोग जल्द ही जवान होते हैं। भारत की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है, यहाँ तक कि विश्व के कई प्राचीनतम स्थान और इमारतें भारत में हैं। भारत के प्राचीन साम्राज्य मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पहले की सिंधु घाटी सभ्यता है। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भारत में है, ज़्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं। देश के कई अन्य फिल्म स्टूडियो में फिल्मों का निर्माण होता है। 500 से 2000 तक के वैदिक शास्त्रों का लेखन पंजाब क्षेत्र में किया गया। गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नंबर
जीरो की अवधारणा भारत ने दुनिया को दी थी। भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा मोंटेसरी स्कूल है, वो है लखनऊ की सिटी मोंटेसरी स्कूल, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। विश्व में केले का सर्वाधिक निर्यात भारत ही करता है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है। भारत में विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन किया जाता है। भारत में लाल रंग को शुभ माना जाता है, विवाह और अलग अलग अवसरों पर इसी रंग के कपड़े पहने जाते हैं। भारत में हिमालय स्थित है, इसके अलावा यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं लगभग 1500 मील में फैली हुई हैं, जो कि 23,600 फीट तक ऊंची हैं। तिरुपति स्थित विष्णु मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहाँ वेटिकन और मक्का से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। दुनिया में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे पहला मकबरा भारत में ही बनाया गया था। यह कब्र शाहजहां ने हुमायूं के लिए बनवाया था, हालांकि उसके बाद उनकी पत्नी और अन्य मुगल खानदान के लोगों को भी यहीं दफनाया गया। हर साल 12 साल के बाद इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला दुनिया में एकमात्र ऐसा मेला है जहां धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां शिव भगवान की सवारी नंदी के सबसे बड़ी मूर्ति है। उसकी ऊंचाई जो 13 फीट की जगह में बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण कई हजार साल पहले हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में स्थित है। यह स्टेडियम समुद्र तल से 24,000 मीटर ऊपर बना हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। भारत में सबसे ज़्यादा मतदाता और चुनाव में होने वाले खर्चों के मामले में भारत ही सबसे आगे है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इत्यादि सबका जन्म भारत में ही हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारत के तथ्य जिन्हें शायद आपने पहले भी सुना हो। अगली वीडियो में और नए तथ्य लेकर और नई नई कहानियाँ और किस्से लेकर पहुँच जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।